अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट 10 मिनट में बनने वाला मिक्स अचार, जो मैंने बहुत कम टाइम में बनाया है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गाजर का अचार। तो गाजर का अचार बनाने के लिए हमारे घर में कुछ गाजरें पड़ी थी, तो हमने सोचा इसका मिक्स अचार बना लिया जाए। तो हमने यहाँ कुछ गाजरें लिए और रफली काट लिया है, मतलब अपने कोई से भी शेप के अकॉर्डिंग आप इसे काट लें। मैंने इन्हें ऐसे बारीक बारीक काट लें और फैला लेंगे। और फैलाने के बाद हम इसे ऐसे कपड़े से पोंछ लेंगे, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। देखते हैं, एकदम ड्राई सी हो गई हैं। अब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने लिए हरी मिर्च, इन्हें भी मैंने अच्छे से धो लिया है। और इसको भी हम एक कपड़े पर ऐसे पलटते हुए इनको भी हम कर लेंगे ऐसे ड्राई, ताकि इनका भी पानी ऐसे निकल जाए। ये भी हमने निकाल दिया है और ये एकदम ड्राई लग रही है। अब हम क्या करेंगे कि इन पे जो है डंठल है, इनके डंठल को हम ऐसे अलग कर देंगे। ये बात हमें ऐसी मिर्च अचार के लिए चाहिए। फिर भी यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, इनका डंठल हमने अलग कर लिया। यहाँ हमारी अचार की गाजरें भी बिल्कुल रेडी हैं, ये हल्की हल्की ड्राई हो चुकी हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपने अचार। मसालों में मैंने लिए है सौंफ, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है, और थोड़ी सी पीली सरसों, और मैंने यहाँ लिए 2 टीस्पून भर के राई के दाने। यहाँ नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च इसे और तीखा बनाने के लिए, और थोड़ी सी लिए हल्दी। तो अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है, और इसमें हम सारी गाजरों को डाल देंगे। फ्लेम हमारा मीडियम रहना चाहिए, इसे हमें हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है। और इसे हमें 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। गाजर को फ्राई करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे हल्का सा बस 3 से 4 मिनट तक ही हमें इसे सिर्फ फ्राई करना है, ताकि ये बहुत हल्का फ्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और इसे अच्छी तरह से छान कर हम इसे जिस बर्तन में हमें अचार बनाना है उसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। सभी गाजर को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसे हम ठंडा होने के लिए साइड से रख देंगे। अब हम इस बचे हुए तेल में डाल देंगे सारी कटी हुई हरी मिर्चें, और इन्हें भी 3 से 4 मिनट तक बस हमें हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक हमने मिर्चों को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, और इन्हें भी हम निकाल लेंगे। इसको भी फ्राई कर कर निकाल लिया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यकीन मानिए, इसे हम हैंड टू हैंड खा सकते हैं। हमारी मिर्चें भी और गाजर भी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। बचे हुए तेल में हम डाल देंगे पीली सरसों, सौंफ, और ये मसाले डालकर हम इसे ऐसे भून लेंगे। हमें इसमें अलग से कोई भी तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तेल में ही हम इसे हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। और अगर आप ज़्यादा तेल खाते हैं तो इसमें आप इसमें और भी ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस के ऊपर। फ्रेंड्स, यहाँ लगभग हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, जैसा मसाला हमें चाहिए। मसाले को भी हम ऐसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर गाजरें अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमारी फ्राई करी हुई मिर्चें थी, और साथ में जो इसमें ऑयल था इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम अलग से कोई भी ऑयल नहीं डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये सारा मसाला, और मसाला डालने के बाद इसे हम हल्के हल्के ऐसे मिक्स कर देंगे।
देखिए फ्रेंड्स इसमें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। देखिए अचार को और भी खट्टा बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। ये हमारे गार्डन का नींबू है तो हम इसको ऐसे इसमें थोड़ा सा निचोड़ कर हाथ से डाल देंगे और ये एकदम चटपटा फ्लेवर का हो जाएगा। इस अचार को बनाने में आपको सिर्फ 8 से 10 मिनट ही लगेंगे। और ये देखिए इसमें हम बिल्कुल लास्ट में डाल रहे हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसे मैं हाथ से क्रश करके इसको डाल रही हूँ। यकीन मानिए इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। झटपट जब आपको चटपटा खाने का मन करे अचार तो आप इस अचार को ज़रूर बनाइए। कसूरी मेथी भी डालने के बाद इसे हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे और आपका अचार बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छा लगने के लिए तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो यहाँ हमारा झटपट 10 मिनट में बनने वाला टेस्टी मिक्स अचार बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।